स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ विज्ञान का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर। तो एक बार मैंने फिर से आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। मैंने एक बार पहले ही अपलोड कर दिया है वीडियो को, जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्लास 8 के लिए है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का, आप सभी जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है नायलॉन, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाए जी, मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। एक टेंटपोल जिस प्रक्रम द्वारा वृक्ष में विकसित होता है वह है? कायत्रण है यह, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है? तो नेपच्यून हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एकदम रियल क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। धनु को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल डैश बल होता है का उदाहरण है? तो ये पेशीय बल का उदाहरण है। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, शायद आपको ये वीडियो डिलीट हो सकता है, तो इसका स्क्रीन शॉट ज़रूर रख लीजिएगा आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश ताप तक गर्म करना आवश्यक है? तो ज्वलन ताप तक। तीसरे में फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को डैश होती है, तो वो मिट्टी को तैयार करना होता है। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। चलिए अति लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं। वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा अपने गैलरी में, ताकि ये वीडियो डिलीट हो तो आपको हेल्प मिल सके आपके स्क्रीनशॉट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाया गया बल द्वारा इस वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। गृहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम लिखिए। CNG और LPG को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? एक लाभ लिखिए। रेड डाटा पुस्तक क्या है? युग्मन और गर्म में क्या एक मित्रता दीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं? जल आरक्षित करने वाली दुविधा लिखिए। तो आप इसका उत्तर अपने बुक से या कॉपी से देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। आप 60 में से एकदम 50 नंबर कवर कर लेंगे इसको। अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। आयरन ऑक्सीजन प्लस जल बराबर मैग्नीशियम ऑक्सीजन बराबर डैश। चलिए अथवा धातु और अधातु के उपयोग लिखिए वही 5। फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? 12 प्रश्न आ जाते हैं स्वच्छ पारदर्शी। तो लास्ट प्रश्न में आ जाते हैं। तो स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी लिखिए। जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट किए। तो एकदम रियल क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैंने बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक एक करके। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।